हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड लेसन लॉस स्प्रिंग बाय एनीज जंग करेंगे। एनीज जंग जो लेखिका है वो राउरकेला में पैदा हुई और हैदराबाद में उनकी एजुकेशन हुई। आइए अब लेसन देखते हैं कि लॉस स्प्रिंग से क्या मतलब है। इसमें लेसन में दिया हुआ है फॉरगॉटन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यहां आप समझिए कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग किसको बोलते हैं हम, बसंत को, सीजन को बोलते हैं। बसंत सीजन क्या होता है, किस चीज का सिंबॉलिक है, वो ग्रोथ का सिंबल है, रिजुवेनेशन का सिंबल है, खुशहाली का प्रतीक है, ठीक है, उन्नति का प्रतीक है। यहां पर चाइल्डहुड के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो इसी प्रकार की एक स्टेज है, लॉस्ट स्प्रिंग। सो दैट इज लॉस्ट चाइल्डहुड। स्प्रिंग इज हेयर सिंबॉलिक ऑफ चाइल्डहुड, बचपन से बताया गया है। देखिए अब इस लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में दो स्टोरीज आएंगी। पहली स्टोरी है वो है द रैग पिकर्स। पहली स्टोरी रैग पिकर्स की है, द रैग पिकर्स। रैग पिकर्स कौन होते हैं, रैग मतलब कूड़ा कचरा, पिकर पिकर मतलब चुनने वाला, ठीक है। तो कूड़ा कचरा बिनने वाले लोग जो है वो रैग पिकर्स कहलाते हैं। एक स्टोरी द रैग पिकर्स की है, जिसमें एक साहिब नाम का बच्चा है, उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। दूसरा जो भाग है इस पाठ का, पाठ में दो भाग है, दूसरा जो पाठ का भाग है वो है बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर में जो बेंगल मेकर्स हैं उनकी कहानी आएगी। बेंगल माने चूड़ियां, मेकर मतलब बनाने वाला। सो फिरोजाबाद जो है वो पूरे हिंदुस्तान का हब है, मेन सेंटर है, जहां पे ग्लास वर्क होता है, जहां ग्लास वर्क इंडस्ट्री है, ग्लास फर्नेसेस हैं, और वहीं पर चूड़ियां बनती हैं, और वही चूड़ियां सारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सप्लाई की जाती हैं। तो इन दो लोगों के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। रैग पिकर्स का जीवन कैसा है, जो कि दिल्ली में रहते हैं, सीमापुरी इलाके में, जिसमें साहिब नाम के बच्चे की हम स्टोरी पढ़ेंगे, इनका जीवन कैसा है, और बेंगल मेकर्स हैं जो चूड़ी बनाने वाले हैं, उनका जीवन, जो पीढ़ियों से, जनरेशन से, सदियों से चूड़ी बनाते आ रहे हैं, उनका कितना दयनीय जीवन है, इन दोनों के बारे में हम इस पाठ में अभी अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले जो आपके फर्स्ट लेसन में ही, लेसन के फर्स्ट पेज पे ही कुछ वर्ड मीनिंग दिए होते हैं पाठ शुरू होने से पहले, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर मतलब सर्चिंग, सर्चिंग माने ढूंढना, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, अगर मैं ऐसे बोलूं तो इसका अर्थ है कि मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूं। ये किस संदर्भ में आएगा, ये जो रैग पिकर्स हैं ये लुकिंग फॉर करते हैं, सर्च करते हैं, चीजों को ढूंढते हैं, उसमें कचड़े में ढूंढते हैं, जो चीज बिक सकती है, उनके काम की है, उसको चुन लेते हैं, वो है लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर माने सर्चिंग, यानी कि ढूंढना, खोजना। दूसरा है स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स मतलब सारा दिन कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड, सारा दिन कड़ी मेहनत करना, ये इनके लिए इस्तेमाल किया गया है, बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद स्थान का नाम है। तीसरा है रूफ ओवर देयर हेड। रूफ माने छत, ओवर देयर हेड, हेड माने सिर, सो रूफ ओवर देयर हेड का मतलब है हाउस, घर, मकान। फिर है परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी जो है, परपिचुअल होता है निरंतर, जो चीज कभी समाप्त नहीं होती वो परपिचुअल कहलाती है, स्टेट अवस्था, पॉवर्टी मतलब गरीबी। सो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब एवरलास्टिंग पॉवर्टी, एवरलास्टिंग पॉवर्टी मतलब ऐसी गरीबी का कुचक्र जो कभी समाप्त ही नहीं होता। फिर है डार्क हटमेंट्स। डार्क मतलब अंधेरा, हटमेंट्स माने झोपड़ियां, डार्क मतलब अंधेरा, हटमेंट्स माने झोपड़ियां। सो डार्क टेम्परेरी हट्स, छोटी छोटी जो झुग्गी झोपड़ी उन्होंने बनाई हुई है, जहां पर रोशनी का कोई प्रावधान नहीं है, उनके लिए डार्क हटमेंट्स वर्ड यूज किया जाएगा, जो जहां ये बेंगल मेकर्स रहते हैं। इम्पोज द बैगेज ऑन चाइल्ड। इम्पोज द बैगेज ऑन चाइल्ड का मतलब है बच्चे पे बोझ लादना, बच्चे पे बोझ लादना। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, और अब दो पार्ट हैं जो लेसन के, द रैग पिकर्स और बेंगल मेकर्स और फिरोजाबाद। हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, द रैग पिकर्स। देखिए स्टोरी ऐसे चलेगी, साहिब से शुरू करेंगे हम। साहिब उस बच्चे का नाम है जिसकी कहानी फर्स्ट पार्ट में बताई गई है, तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, द रैग पिकर्स। रैग पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले। आप अपने बुक्स ले आइए, और बुक में ये दिया हुआ है आपके, ये पार्ट है पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 पे है लॉस्ट स्प्रिंग।
पहली लाइन बोलती है व्हाई डू यू डू दिस, जो लेखिका है, लेखिका यानी एनीस जंग, एनीस जंग जो है वो जा रही है और रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। वो लड़के कुछ लड़के रोज सुबह आते हैं और कूड़ा बिनते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। तो जो लेखिका है वो कई दिनों से इन्हें देख रही है और एक दिन वो एक बच्चे को टोक लेती है, ठीक है, और उससे पूछती है कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। और वो जो बच्चा है वो है साहिब, जो कि कहां से आया है। अब देखिए, साहिब नामक लड़का हो गया, ठीक है, जो कि आया है ढाका से, जो नाम है ये इसका बांग्लादेश की राजधानी है। नाम का हमेशा ये फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, ध्यान रखेंगे, नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, अर्थात बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा पहला लेटर। ढाका से आया है और वो ढाका से क्यों आया है, क्योंकि वहां पर जो उनके फील्ड्स थे, फील्ड्स माने खेत, और जो उनके हाउसेस थे, हाउसेस माने घर, फील्ड और जो घर थे, खेत और जो घर थे, वो स्टॉर्म्स ने बहा दिए। फिर से देखते हैं, यहां पर साहिब है, साहिब नाम का लड़का है, साहिब नाम का लड़का जो है अब आया हुआ है यहां पर, कहां है वो हम स्टोरी में आगे बताऊंगा मैं आपको। ये ढाका से आया है, बांग्लादेश की राजधानी जो है, वो वहां से अब यहां दिल्ली आ गए हैं, सीमापुरी इलाके में। सीमापुरी एक स्थान का नाम है जो दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित है। सीमापुरी आ गए, वो वहां से क्यों आए, क्योंकि उनके वहां पे जो फील्ड्स और हाउसेस हैं, जो उनके मकान हैं और जो उनके खेत हैं, वो स्टॉर्म्स की वजह से, तूफान की वजह से सारे नष्ट हो गए और अब उनके पास खाने का कोई साधन और नहीं है, इसलिए उन्हें रोजगार के लिए यहां पे आना पड़ा। जी, फिर साहिब बोलता है सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बुक पढ़ रहा हूं मैं, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, हमारे पास और कोई रोजगार नहीं है। लेखिका साहिब से कहती है गो टू स्कूल, ठीक है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। इस पर साहिब जवाब देता है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 14 पे, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो लेखिका कहती है इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे। तो साहिब कहता है कि जरूर आऊंगा। कुछ दिनों बाद लेखिका फिर मिली तो साहिब ने पूछ लिया, Have you started your school? आपका स्कूल शुरू हो गया? Is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार है? अब लेखिका जो है वो काफी शर्मिंदगी महसूस करती है, क्योंकि उसने तो ऐसे ही कह दिया था और वो अपनी प्रॉमिस निभाने के लिए उसने नहीं कहा था, ठीक है, वो शर्मिंदगी महसूस करती है और बताती है कि काफी टाइम लगता है स्कूल बनने में, ठीक है, ऐसा कह के वो टाल देती है। अब कुछ महीनों के बाद, नेक्स्ट पैराग्राफ है, आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों के बाद लेखिका ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, साहिबे आलम, ये उसका पूरा नाम है, साहिबे आलम, उस लड़के का साहिबे आलम बताया। साहिबे आलम का क्या अर्थ है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे कायनात का जो भगवान है, विधाता है, वो होता है साहिबे आलम। उसके नाम का अर्थ है साहिबे आलम। शायद उस बच्चे को उसके नाम का अर्थ पता भी नहीं है, वो तो सिर्फ ही रोम्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमता है बेयरफुट, नंगे पैर घूमता है। और फिर लेखिका उससे पूछती है व्हाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। इस पर उसके साथ और भी लड़के थे, वो सब अलग अलग जवाब देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, इवन इफ दे गेट, अगर उन्हें मिल भी जाए तो दे थ्रो इट, सम से कि उनके वहां पे ट्रेडिशन नहीं है, कुछ इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनके पास है नहीं, अलग अलग कारणों से सभी बच्चे लगभग जो है वो बेयरफुट ही हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आएंगे हम 15th पेज पे, पेज नंबर 15 पे देखिए, फाइन। फिर बताती है कि ये जो सीमापुरी इलाका है, अब मैं आपको बता दूं कि ये कहां पे है, ये लोग कहां पे रहते हैं, सीमापुरी में। सीमापुरी को, अब इलाके को, अब लेखिका जो है वो देखने जाती है, जो कि कहां पर है, दिल्ली के बाहरी इलाके में। सीमापुरी जो इलाका है, इट्स माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, मेटाफोरिकली कहने को ये दिल्ली में है लेकिन दिल्ली से कोसों दूर है, अर्थात दिल्ली एक विकसित शहर है और ये जो सीमापुरी इलाका है ये पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां पर ये लोग बांग्लादेश से आए थे, जो मैंने बताया ढाका से, बांग्लादेश से आए थे 1971 में आए थे। और अब इन्हें, ये लोग कहां रह रहे हैं बेचारे,
यहां पर ये जो छोटे छोटे घर बना के टीन एंड टर्पोलिन, टीन एंड टर्पोलिन, टीन एंड टर्पोलिन के घरों में रहते हैं। टीन तो आप समझते हैं, टीन जो अपन ऊपर छत पे डालते हैं, शेड पे डालते हैं, ठीक है। और टर्पोलिन होता है तिरपाल, तिरपाल मतलब बड़ा सा प्लास्टिक का कवर। तो टीन और तिरपाल के घर हैं इनको बेचारों के, सीमापुर इलाके में, दिल्ली में, जो जहां पर ये 1971 में आए थे, क्योंकि इनके जो है खेत और घर सब नष्ट हो गए थे। ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं और ये यहां इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इनके पास और कोई रोजगार का तरीका नहीं है। और ये कैसे हालात में रह रहे हैं, टीन और तिरपाल के घरों में रह रहे हैं, जहां पे कोई वाटर नहीं है, कोई सीवेज नहीं है, न तो वहां पे वाटर की व्यवस्था है, न सीवेज की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वाटर मतलब पानी, सीवेज मतलब ये जो गंदा पानी जो निकलने का जो स्रोत होता है उसको सीवेज बोलते हैं, नालियां समझ लीजिए आप, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है। और यहां पर लगभग 10,000 रैट पिकर्स रहते हैं। कितने रैट पिकर्स रहते हैं? 10,000, लगभग 10,000 रैट पिकर्स यही रहते हैं। और बेचारे पिछले 30 साल से यही रह रहे हैं। कितने ईयर से? 30 ईयर्स से, 30 ईयर्स से लगभग। ये जो जरूरी जरूरी शब्द है ये मैं बोर्ड पे किस लिए लिख रहा हूं, ये सब आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और इन्हीं शब्दों से आपके सारे आंसर्स बनेंगे, ठीक है। इसलिए ये लिखने जरूरी है। मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको समझाऊं, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हुवा साहिब, हुवा साहिब, तो आप सिंपली बता सकते हो साहिब इज फुल नेम ऑफ साहिब आलम, ही हैड कम फ्रॉम ढाका, फाइन, एंड ही वाज अ रैग पिकर, ठीक। ऐसे कर करके फिर उनसे आपसे ये पूछ लिया व्हाई डिड दे कम फ्रॉम ढाका, तो वो भी आप बता देंगे फील्ड्स और हाउसेज उनके स्टोन्स ने खत्म कर दिए थे इसलिए वो वहां से आ गए। फिर आपसे पूछे रैग पिकर्स कहाँ रहते हैं, तो आप बता देंगे सीमापुरी दिल्ली में रहते हैं। फिर आपसे पूछा किस दशा में रहते हैं, तो आप बता सकते हैं टीन एंड टर्पोलिन के घरों में रहते हैं जहां पर वाटर सीवरेज नहीं है और वो लगभग 10,000 लोग हैं और 30 साल पहले 1971 में आए थे, ठीक है। 30 साल आज से नहीं गिनने, 30 साल जब स्टोरी लिखी गई तब से गिने गए, इसलिए ये यहाँ पे 1971 दिया हुआ। फिर देखिए 30 साल से रह रहे हैं लेकिन अब भी उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वो बेचारे छोटे छोटे ट्रांजिट होम्स में रहते हैं, कच्चे टेम्परेरी मकानों में रहते हैं और सर्वाइवल के लिए, सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए रैग पिकिंग का कार्य करते हैं, अर्थात कूड़े बिनने का काम करते हैं। कूड़े में जो भी उन्हें कुछ चीज मिल जाती है जिसको बेचा जा सके, उसके बदले में कुछ पैसे मिल सके, वही काम करते हैं। सुबह आ जाते हैं, दोपहर तक ये काम करते हैं, उनको उसी को बेचकर उसी से अपना गुजारा करते हैं। यही उनका डेली ब्रेड है, इट इज देयर डेली ब्रेड। 16th पेज पे आ जाइए आप, नेक्स्ट पेज है 16 पेज पे बोलता है साहिब, बोलता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी और अ 10 रूपी और अ सिल्वर कॉइन। कई बार 1 रुपया मिल जाता है कूड़े के ढेर में, कई बार 10 रुपए भी मिल जाते हैं और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है। तो देखिए यहां पर जो ये गार्बेज, गार्बेज जो इकट्ठा करने का सिस्टम है, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट जो भी है जहां से वो चुनते हैं, गार्बेज जो है इसके प्रति दोनों का अलग रवैया है, बच्चों का अलग है और बड़ों का अलग है। एल्डर्स के लिए, एल्डर्स समझते हैं सिर्फ, एल्डर्स के लिए ये सिर्फ मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, एल्डर्स के लिए कूड़ा बिनना सिर्फ मींस ऑफ सर्वाइवल है, अर्थात जिंदा रहने के लिए और अपना ब्रेड कमाने का एक तरीका है। लेकिन चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन रैप्ड इन वंडर, रैप्ड इन वंडर, ठीक है। इनके लिए कुछ जो है ये रहस्यमय चीज है। ये मैं यहां पे भी फिर अगेन देखो, हर अगर आप अच्छे से मेरी पूरी स्टोरी समझ गए और जो बोर्ड पे लिखा है वो आपने नोट डाउन कर लिया और उसको भी याद कर लिया, तो आपको कोई चिंता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहां से आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू आंसर, आप उसका जवाब दे पाएंगे। अब देखिए इसमें भी फिर क्वेश्चन बनता है कि एल्डर्स के लिए, ठीक है, जो ये गार्बेज पिकिंग है, रैग पिकिंग है, ये क्या है, और चिल्ड्रन के लिए रैग पिकिंग क्या है। तो आप बता सकते हैं कि एल्डर्स के लिए सर्वाइवल है और बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए रैप्ड इन वंडर है, अर्थात कोई ऐसी चीज है जो आश्चर्य से लिपटी हुई है, क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट रहता है बच्चों को कि इसमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, लाइक दैट। आगे देखिए, फिर आगे होता है कि एक दिन जो लेखिका है वो देखती है कि साहिब जो है वो टेनिस शूज पहन के, व्हाइट टेनिस शूज पहन के, वो टेनिस क्लब है उसके बाहर खड़ा हुआ है, टेनिस क्लब के बाहर खड़ा हुआ है टेनिस शूज पहन के।
वो टेनिस शूज शायद किसी अमीर लड़के ने दिए होंगे, उसके गेट के बाहर खड़ा है और वो बताता है कि यहीं से मैं, दो लड़के वहां पर खेल रहे हैं व्हाइट ड्रेस में, उनको टेनिस खेलते हुए देख रहा है। और जब लेके का उससे बात करती है तो बताता है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है गेम। फिर वो ये भी बताता है कि कई बार जब यहाँ पर कोई नहीं होता तो गेट कीपर मुझे अलाउ कर देता है और मैं अंदर भी चला जाता हूँ। ओके फिर उसके बाद आता है कुछ दिनों के बाद लेखिका देखती है कि जो साहिब वॉज इन ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, साहिब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है। अब मिल्क बूथ पे वो क्या करेगा, वो मिल्क बूथ का मतलब है जहां पे दूध मिलता है, साहिब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। तो लेखिका उसको देखकर हैरान हो जाती है। उसके हाथ में एक स्टील कनस्तर है, स्टील कैनिस्टर मतलब आप डोली समझ लीजिए, कनस्तर बोल देते हैं हम लोग उसको कई बार लोकल भाषा में। उसके हाथ में मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर है, डोली है समझ लीजिए, जैसे दूध की डोली होती है ऐसे कोई डोली है उसके हाथ में। और अब वो बताता है कि आई वर्क इन अ टी स्टॉल, अब मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ। कहाँ काम करता हूँ, टी स्टॉल पे, अर्थात मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ। अब उसने रैग पिकिंग छोड़ दिया है मुकेश ने, और अब उसको 800 रुपए एंड ऑल मील्स मिलते हैं। उसको चाय की दुकान पे काम करने के बदले रुपीज 100 प्लस ऑल मील्स, तीनों टाइम का खाना, तीनों दोनों जो भी टाइम है, ऑल मील्स और रुपीज 800, मतलब अब तनखा पे वो काम करता है चाय की दुकान पे। आगे देखिए, लेकिन वो जो स्टील कनस्तर है, वो डोली है, वो जो रैग पिकिंग पहले जो कूड़ा बिनता था उसका जो बैग था उससे भारी है अब स्टील कनस्तर। क्यों क्यों भारी है, अगले पेज पे आइए आप, पेज नंबर 17 पे स्टार्टिंग की चार लाइनें देखते हैं। बिकॉज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपना मालिक स्वयं नहीं है। जब वो रैग पिकिंग करता था तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक था, जो करे जैसे मर्जी करे जब मर्जी काम करे, लेकिन अब वो किसी के यहाँ पे नौकरी करता है टी स्टॉल पे, अब कोई और उसका मालिक है, यानी जो टी स्टॉल का ऑनर है उसके निर्देशों के अनुसार उसे काम करना पड़ता है। तो अब उसे वो जो है स्टील कैनिस्टर, स्टील की डोली जो है उस रैग पिकिंग से भी भारी लगती है, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। ये था फर्स्ट पार्ट, होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट किस बारे में था, मैंने बताया था आपको, ये आप एक बार इसको यहां पे स्टॉप करके और इन सबको नोट डाउन कर लेना जी। सेकंड पार्ट मैंने आपको किस बारे में बताया था, सेकंड पार्ट था फिरोजाबाद, बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, बेंगल माने चूड़ी, मेकर्स मतलब बनाना, और फिरोजाबाद जगह का नाम है। तो फिरोजाबाद नामक स्थान पे चूड़ी बनाने वाले लोग रहते हैं, जो चूड़ी बनाते हैं जनरेशन से, सदियों से उनका यही कर रहे हैं बेंगल मेकर्स में। यहां पे स्टोरी स्टार्ट होती है बेटे, पेज नंबर 17, 6th लाइन देख रहे हैं हम, मुकेश से, बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद में मुकेश नामक लड़का है, लेखिका वही है, मुकेश नामक लड़का है और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, जबकि उनका खानदानी पेशा क्या है, खानदानी पेशा उनका बेंगल मेकिंग, बेंगल बनाना ही उनका खानदानी पेशा है। फिर पूछती है वो, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग, ये आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने बता दिया फिर भी देख लीजिए, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग, बेंगल माने चूड़ी, मेकिंग माने बनाना, तो फिरोजाबाद में क्या किया जाता है, चूड़ियां बनाई जाती हैं। एंड इट इज सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है ये। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि फिरोजाबाद, वाई इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, तो आपने बताना है कि यहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है और फेमस फॉर बेंगल मेकिंग, और इसी बेंगल मेकिंग के खानदान में एक लड़का है, जो इसी कास्ट में एक लड़का पैदा हुआ है जो कि इस ट्रेडिशन से अलग एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उस स्टोरी में आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब मुकेश की जो फैमिली है वो किस प्रकार के हालत में रहती है वो आप देखिए, मुकेश फैमिली और उस उन जैसे बाकी जो परिवार है जो बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, वो डिंगी सेल्स में रहते हैं। डिंगी सेल्स क्या होते हैं, डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, डिंगी होता है डार्क एंड डर्टी, जहां पे डार्कनेस है, अंधेरा है, और जो डर्टी है गंदे, उनको डिंगी बोलते हैं। सेल्स मतलब छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे मकान, टेम्परेरी टाइप के, हट्स टाइप के,
डार्क एंड डिंगी सेल्स जिसमें नो एयर एंड नो वाटर, न तो वहां पे पानी की व्यवस्था है और ना ही हवा की व्यवस्था है और ना ही लाइट की व्यवस्था है, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है। और वहां पर लगभग ये जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है इसमें लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं, 20,000 चिल्ड्रन। और इन चिल्ड्रन को पता भी नहीं है, यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि जो ये इलीगल है, बच्चों से काम करवाना इलीगल है, ये इनको पता भी नहीं है, गैर कानूनी है, इनको पता भी नहीं है, सारे बच्चे वहीं काम करते हैं क्योंकि ड्यू टू पॉवर्टी, पॉवर्टी माने गरीबी, गरीबी की वजह से। अच्छा, उनके घरों की दशाएं आप देखेंगे तो आप और दुखी हो जाएंगे। उनके क्या है, गलियां कैसी हैं, स्टिंकिंग लेन्स, कैसी हैं गलियां, स्टिंकिंग लेन्स। जो ये मुकेश लड़का है, ये जो है लेखिका को इनवाइट करता है कि चलिए मैं आपको अपने घर लेके चलता हूं। तो लेखिका जो है अब मुकेश के साथ उसके घर जा रही है, तो वहां पर वो देखती है कि किस प्रकार के मकान है, वहां पर स्टिंकिंग लेन्स हैं, ठीक है, गंदी नालियां हैं जिनमें से बदबू आ रही है, क्रम्बलिंग वॉल्स है, क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग वॉल्स का मतलब है टूटी हुई दीवारें, दीवारें कैसी हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स, स्टिंकिंग लेन्स, क्रम्बलिंग वॉल्स, वुपली डोर्स, हिलते डुलते दरवाजे, हिलते डुलते दरवाजे, दरवाजे जो है वो भी फिक्स नहीं है, डीले हो चुके हैं, टूटे फूटे से हैं बेचारे। हाफ बिल्ट शैक है, हाफ बिल्ट शैक, हाफ बिल्ट शैक मतलब आधी अधूरे बना हुआ छोटा सा कोई झोपड़ा, उसको बोलते हैं हाफ बिल्ट शैक। ऐसा मकान है उसका, किसका, मुकेश का, और बाकी मकान भी इसी प्रकार के हैं। अब ये लेखिका जो है मुकेश के घर पहुंच गई है, पहुंचने के बाद वो वहां पे एक फ्रेल यंग वुमन देखती है, मुकेश के घर पे एक फ्रेल यंग वुमन है, फ्रेल यंग वुमन का मतलब है कि एक यंग महिला जो कि काफी कमजोर है, फ्रेल माने होता है कमजोर, कमजोर किसी ने शायद कुपोषण की वजह से, अच्छे उसको डाइट नहीं मिल पाती, जो कि वाइफ है उसके ब्रदर की, जो फ्रेल यंग वुमन यानी कि इसकी भाभी होगी, मुकेश की भाभी है, इसके बड़े भाई की वाइफ है, तो घर की बहू है ऐसा दिया हुआ है इसमें, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ लेसन में दिया हुआ है, पेज नंबर 18 पे मैं बात कर रहा हूँ, बहू वर्ड और डॉटर इन लॉ वर्ड दिया हुआ है। और वो इंचार्ज है तीन आदमियों की, तीन आदमियों की देख रेख करती है, अपने हस्बैंड, अपने हस्बैंड के बड़े भाई और अपने ससुर यानी कि मुकेश के पिता, इन तीनों की देख रेख यही करती है। तभी मुकेश के पिता, मुकेश फादर भी अंदर आ जाते हैं, जैसे ही मुकेश के फादर अंदर आए, शी हेल्ड हर वेल क्लोजर टू हर फेस, वेल मतलब घूंघट होता है, VEIL, वेल माने घूंघट, वो घूंघट कर लेती है जैसे कि प्रथा है कुछ इलाकों में। लेकिन अब इसके पिता बताते हैं, मुकेश के पिता बताते हैं, लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, उन्होंने बहुत मेहनत की जीवन भर, हिज फादर, मुकेश फादर, मुकेश फादर वॉज अ टेलर फर्स्ट, अभी इसमें क्वेश्चन बन सकता है मुकेश फादर का के बारे में बताओ, पहले तो वो टेलर थे, ठीक है, बहुत सालों तक उन्होंने टेलर का काम किया और उसके बाद उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम किया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी, इतना सब करने के बावजूद भी वो घर नहीं बना सके पक्का, और ना ही अपने दोनों लड़कों को पढ़ा सके, ना तो घर को रेनोवेट करा सके और ना ही दोनों लड़कों को पढ़ा सके, कौन, मुकेश के फादर, जो जिन्होंने कुछ सालों तक टेलरिंग का काम किया और फिर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने क्या किया फिर जीवन भर, सिर्फ जो उन्हें खुद आता था वही चीज वो उनको सिखा सके। ये इस पेज नंबर 18 पे फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन में दिया है, टीच हिम व्हाट ही नोज, उसने जो उसे खुद आता था वही अपने दोनों बच्चों को सिखाया, ना पढ़ा सके ना ही मकान बना सके। उसके बाद वहां पे मुकेश की ग्रैंड मदर का भी जिक्र आएगा, अगर नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें मुकेश ग्रैंड मदर है, मुकेश ग्रैंड मदर जो है वो एक लेडी ओल्ड एज की हैं, जो ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड, मुकेश की ग्रैंड मदर के हस्बैंड यानी कि मुकेश के दादा, वो ग्रैंड मदर अपने पति के बारे में बता रही है कि वो कैसे सारी उम्र उन्होंने कठिन परिश्रम किया और कैसे वो बैंगल इंडस्ट्री में काम करने की वजह से अंधे हो गए थे, ही लॉस्ट हिज साइट, ही वेंट ब्लाइंड, क्योंकि बैंगल इंडस्ट्री में एक तो इन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे काम करना पड़ता है, एक चीज, दूसरा जो जिस माहौल में काम करते हैं वो सब अंधेरे गलियारे हैं, वहां पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था नहीं है, दो, तीसरा जो वो बैंगल्स को पॉलिश करते हैं तो उसका डस्ट उड़ता रहता है, उसकी धूल उड़ती रहती है, इन तीन कारणों की वजह से वो ज्यादातर लोग जो बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बहुत छोटी उम्र में अंधे हो जाते हैं, या उनकी आईसाइट
वीक हो जाती है। यही इसके ये ग्रैंड मदर बताती है, यही इसके हस्बैंड के साथ भी हुआ। पर ये समझती है कि मुकेश ग्रैंड मदर समझती है कि कोई आदमी जो बैंगल मेकिंग के कास्ट में पैदा हुआ है उसकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है, उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ है, उसे यही काम करना पड़ेगा, यही काम करना चाहिए। उसके बाद एक और स्टोरी आएगी सविता की। सविता इज अ यंग गर्ल, एक लड़की है जो कि बैठी हुई है कुछ ओल्ड वुमन के पास। आगे चल के थोड़ा जैसे मुकेश के घर से आगे चले, पड़ोस में फिर एक और लड़की मिली, उसका नाम सविता था, वो कुछ वुमन के साथ बैठी हुई है। सविता जो है वो सोल्डरिंग कर रही है चूड़ियों की, चूड़ियों को जोड़ रही है फटाफट, और उसके हाथ बड़े मैकेनिकल रूप से चल रहे हैं। पास में एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई है और सविता को ये पता भी नहीं है कि चूड़ी क्या है, जबकि चूड़ी जो है वो सुहाग की निशानी है, SUHAAG। ये इसी टाइप से हिंदी में ही वर्ड दिया हुआ है, SUHAAG सुहाग की निशानी है। उस छोटे बच्चे को पता भी नहीं है, शायद कभी वो जब ब्राइड बनेगी तब उसे पता चलेगा कि ये किस काम आती है। जबकि जो बूढ़ी औरत बैठी है उसके हाथों में अभी भी काफी चूड़ियां हैं। फिर वो बूढ़ी औरत बताती है जो सविता के साथ बैठी है ओल्ड वुमन, वो बताती है कि एक वक्त, मैं पेज नंबर 19 पे फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूं, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये हिंदी में लाइन है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब वन फुल मील, एक वक्त भी पूरा पेट भर के खाना नहीं मिला उसको, नसीब नहीं हुआ। पूरी जिंदगी चली गई लेकिन कभी भी एक वक्त के लिए भी भर पेट पूरा भोजन नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिल पाया। ये उनकी जो दयनीय दशा है उसको दिखाते हैं। तभी उस बूढ़ी औरत के, ओल्ड वुमन के, जो सविता के साथ बैठी थी उसके हस्बैंड आ जाते हैं, वो बताते हैं कि लेकिन उसको संतोष है कि सविता के साथ जो ओल्ड लेडी बैठी है उसके हस्बैंड को संतोष है कि उसने कम से कम घर बना दिया बच्चों के लिए, वो घर बना चुका है, ये उसकी अचीवमेंट है। ठीक है, ये ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग, सालों की जो है इन लोगों की जो एक प्रकार की गुलामी में जो जी रहे हैं, इन्होंने सपने देखना कि इनकी एबिलिटी को खत्म कर दिया है। अब ये सपने नहीं देख पाते, इसी कास्ट में पैदा होते हैं, यही कार्य करते हैं, मर जाते हैं, अगली जनरेशन भी फिर यही काम कर रही है और कई पीढ़ियों से ऐसे ही काम चला आ रहा है। फिर हम देखते हैं पोएटेस बताते, लेखिका बताती है, राइटर बताती है कि मुझे दो प्रकार के अलग संसार दिखे। अब दो प्रकार के अलग संसार कैसे दिखे? एक वन फैमिली कॉट इन पॉवर्टी, एक तो वो लोग हैं जो इसमें गरीबी में फंसे हुए हैं, ये जितने मैंने आपको एग्जांपल दिए, मुकेश, उसके फादर, उसके भाभी, उसका भाई, फिर मैंने आपको एक ओल्ड वुमन का एग्जांपल दिया, सविता, मुकेश ग्रैंड मदर, सब लोग, ये दीज आर ऑल पीपल कॉट इन पॉवर्टी। कॉट मतलब फंसा हुआ, पॉवर्टी मतलब गरीबी। एक तो ये लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं, मैं पढ़ रहा हूं लास्ट पेज, समझ लीजिए आप, लगभग लास्ट पेज पे दिया हुआ ये। एक तो ये लोग हैं और दूसरे कौन से लोग हैं? दूसरे लोग हैं, दो प्रकार के समाज है, एक प्रकार से दो प्रकार का समाज है। दूसरे में आते हैं साहूकार, मिडलमैन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस और नेता। ठीक है, दूसरे में आते हैं ये साहूकार, मिडलमैन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही, पॉलिटिशियन माने राजनेता। ये दो प्रकार के अलग संसार है। तो लेखिका उन्हें कहते हैं तुम अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते? ठीक है, आपस में सब मिलके अपना कोऑपरेटिव संस्था क्यों नहीं बना लेते? तो इस पर भी बताते हैं कि वहां के यंग लड़कों से ये सलाह करती है, वो लड़के बताते हैं कि कोई फायदा नहीं है, फिर ये पुलिस हमें ही तंग करती है और ये सब लोग साहूकार, मिडलमैन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, ये सब मिलके इनका शोषण करते हैं। ये स्टोरी थी सेकंड वाली जो मैंने आपको बताया था, बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स। अब देखिए आप फटाफट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आप इसको सारा नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आए आप आंसर दे पाएंगे। देखो मुकेश क्या चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिरोजाबाद क्या है? फेमस फॉर बैंगल मेकिंग है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद कैसे माहौल में वो रह रहे हैं? डेंगी सेल्स, छोटे छोटे गंदे झोपड़ों में रह रहे हैं, नो एयर नो वाटर, लगभग 20,000 बच्चे चिल्ड्रन वहां काम करते हैं। और जब वो उसके घर जाती है, लेखिका घर जाती है मुकेश के, तो वहां कैसा माहौल है? स्टिंकिंग लेन्स हैं, गंदी नालियां हैं, बदबू आ रही है, क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, टूटी फूटी दीवारें हैं, बुबली डोर्स हैं, ढीले ढाले दरवाजे हैं, हाफ बिल्ड शैक है, आधा अधूरा बना हुआ झोपड़ा है। उसके घर जाती है, उसकी भाभी मिलती है, भाभी जो फ्रेल यंग वुमन है, ठीक है,
फिर मुकेश के फादर से मिलती है, उनसे क्या बातचीत होती है वो भी मैंने आपको बताया, जो कि टेलर था बाद में बैंगल मेकिंग की। फिर मुकेश के ग्रैंड मदर से मिलती है, मुकेश की ग्रैंड मदर ये बताती है कि जिस हम इस वंश में पैदा हुए हैं हमें यही काम करना है, यही हमारी डेस्टिनी है, हम हिम्मत ही नहीं कर सकते और कुछ सोचने की। फिर जब वो आगे चलते हैं तो एक और लड़की मिलती है जो सोल्डरिंग कर रही है ग्लास बैंगल्स की, और एक ओल्ड वूमन बैठी है, फिर उनकी स्टोरी बताई जाती है, ओल्ड वूमन का हस्बैंड बताता है कि मैं कम से कम घर बनवा पाया। फिर अंत में लेखिका बोलती है कि तुम कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना रहे थे, तो कोऑपरेटिव में बताया गया कि ये सब लोग हमें दुखी करते हैं, हमारा शोषण करते हैं। और लेखिका इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये तो दो अलग अलग प्रकार के संसार हैं, एक में ये जो गरीब लोग हैं फैमिली कॉट इन पॉवर्टी, अर्थात जो गरीब लोग जो बैंगल मेकिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं सदियों से, और दूसरे साहूकार मिडलमैन पुलिस ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन जो इन्हीं का शोषण करके फल फूल रहे हैं। दैट वॉज ऑल फॉर द डे। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स देने आ गए होंगे और आप पूरी दोनों स्टोरीज भी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट दूर कर सकूं। धन्यवाद।